जय हिंद साथियों, 8:30 बज चुका है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हर सुबह 8:30 बजे आर्मी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज भी एकदम शानदार सा लाइव क्लास होगा, और आज का लाइव क्लास जो होगा ओरिजिनल पेपर पर आधारित होगा। तो इस हिसाब से अगर आज आप लोग 20 का सही जवाब देते हो तो आपका तैयारी मस्त है, आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच प्लेस रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल ऑन एवरेज इन इंडिया, यानी कि भारत में किस स्थान पर औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है। आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है मानसिंह राम बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो वो लेह में होती है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्रगुप्त बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1869 ईस्वी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, तो नाथूराम गोडसे ने की थी। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर विल द ओलंपिक ऑफ 2024 बी हेल्ड, यानी कि वर्ष 2024 का ओलंपिक कहां पर आयोजित किया जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेरिस बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज कॉल्ड उरनपरी, यानी कि उरनपरी किसको कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीटी उषा बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जननायक किसको कहा जाता है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है, तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। बात कर लेते हैं टी प्रकाशम की, तो टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच स्पोर्ट इज रिलेटेड टू विंबलडन ट्रॉफी, यानी कि विंबलडन ट्रॉफी है जो किस खेल से संबंधित है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉन टेनिस बताया है, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर वाज गौतम मार्सरी बोर्न, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए में है पटना, बी लुम्बनी, सी अमृतसर या डी कुशीनगर। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लुम्बनी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है। आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडोनेशिया बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़िए 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिटरेचर साहित्य बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से देना स्टार्ट किया गया, तो 1965 यानी कि 1965 से यह देना प्रारंभ किया गया था। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विथ हुम इज द गांधी इरविन फैक्ट रिलेटेड, यानी कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या डी नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप लोगों को ध्यान
में रखना है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ओनली स्टेट इन द कंट्री इज इंग्लिश। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टेट, यानी कि देश का एकमात्र राज्य की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है, उस राज्य का नाम क्या है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी नागालैंड बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बोला है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर यानी कि थार बताया है उनका एकदम राइट है। अब है 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज अ ब्लू प्लैनेट कॉल्ड, यानी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है तो पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को पूरा अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है। तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द कंट्री कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट्स, यानी कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो थाईलैंड बताया है उनका एकदम राइट है। कितने छात्र जो है ऑप्शन नंबर लाओस बता रहे हैं उनका एकदम गलत है। लाओस कब होता है जब आपसे सवाल पूछे कि हजार हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो हजार हाथियों का देश जब पूछेगा तो आपको लाओस करके आना है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है इन विच स्टेट इज द शांति वैली लोकेटेड, यानी कि शांत घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी केरल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो केरल बताए हैं उनका एकदम राइट है। आप लोगों का जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ, अब बढ़ेंगे हम लोग जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार भारत माता की जय बोलकर जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो देखिये 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विथ विच डिवाइस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द विजन मेजर, यानी कि किस यंत्र से वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ओडोमीटर जो बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि ताप किससे नापा जाता है यानी कि टेम्परेचर किससे नापा जाता है, तो टेम्परेचर जो होता है वो थर्मामीटर से नापा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाहन की गति किससे नापा जाता है, तो वाहन की गति जो होता है वो स्पीडोमीटर से नापा जाता है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि दूरी मापने की इकाई क्या है, तो दूरी मापने की इकाई किलोमीटर है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्ट्ज बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। बात कर लेते हैं शक्ति की, तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट है, और बल का बात कर लेते हैं तो बल का न्यूटन है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है द एक्सप्लोरर्स ऑफ द ब्लड ग्रुप आर, यानी कि रुधिर समूह के खोजकर्ता कौन है आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए में है विलियम हार्वे, बी कार्लाइन स्टीनर, सी लुईस पाश्चर या डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी कार्लाइन स्टीनर बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है रेड प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय विच प्लांट, यानी कि रेड रॉट बीमारी किस पौधे से होता है आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि गन्ना बताया है यानी कि शुगर केन, उनका एकदम राइट है। तो 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट एसिड लीक ऑकवर व्हेन एन एंट बाइट्स, यानी कि जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस
इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर यानी कि फॉर्मिक अम्ल बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग थिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित वस्तु का उदाहरण है। जल्दी से आपको चारों ऑप्शनों को रीड करना है और इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए में आपका किताब है यानी कि बुक है, ऑप्शन बी में वाटर है, ऑप्शन सी में लड़का है, ऑप्शन डी में वुड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लड़का बॉय बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगी, यानी कि मतलब कि फफूंद यानी कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर यानी कि फंगोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान बताए हैं उनका एकदम राइट है। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, बोला है रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्मड इन, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं किसमें बनती है आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेड बोन मैरो यानी कि लाल रक्त लाल अस्थि मज्जा बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। यह भी बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोगों को नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी कि मनुष्य के खून का पीएच कैसा होता है, यानी कि मनुष्य का खून कैसा होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कम क्षारीय लेस एल्कलीन बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंसी कॉज्ड एनेमिया, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनेमिया रोग होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहा बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो हो गए आपके पूरे 25 प्रश्न। अब आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो देखिएगा आप सबसे प्रश्न पूछा है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, आपको मैं मिलूंगा एक मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।